सरकार ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के लिए अब 30 नवंबर तक की मंजूरी दे दी है। ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 नवंबर 2022 तक के सभी कंसाइनमेंट को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कस्टम को स्पुर्द बिलिंग वेरिफिकेशन हो सकने वाले कंसाइनमेंट भी शामिल हैं। CFS को स्पुर्द कंसाइनमेंट को तत्काल प्रभाव से एक्सपोर्ट करने की मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। आपको बता दें कि टूटे हुए चावल यानी ब्रोकन राइस का इस्तेमाल शराब बनाने, एथेनॉल बनाने और पोल्ट्री एवं एनिमल इंडस्ट्री में होता है। केंद्र सरकार ने देश में चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह बहुत बड़े पैमाने पर टूटे चावल की खेप बाहर भेजी जा रही थी। इसके अलावा पशु चारे के लिए भी समुचित मात्रा में टूटा चावल उपलब्ध नहीं है। इसके का इस्तेमाल एथेनॉल में मिलाने के लिए भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 38,09,000 टन टूटे चावल का निर्यात किया था, जो वर्ष 2018-19 के 12,02,000 टन की तुलना में बहुत अधिक था। चीन के बाद चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत इस खाद्यान्न के वैश्विक व्यापार में 40% हिस्सेदारी रखता है और वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 2,12,00,000 टन चावल का निर्यात किया था, जिसमें से 39,04,000 टन बासमती किस्म का चावल शामिल था। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के लिए 30 नवंबर तक की मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।